ये कच्चा अलसी का तेल, एक चम्मच तेल बैठ के बिल्कुल सेंटर में डाल देना है। ये हमने तेल को अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। हम बैट को ऐसे रख देंगे, अब हम इसकी नॉकिंग करेंगे। ये हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम नया बैट शोरूम से खरीद के हम घर आए हैं। इस बैट को कैसे प्रिपेयर करें इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, जो वीडियो मैंने बैट पे इससे पहले बनाई थी, हाउ टू सिलेक्ट अ बैट, हम अपने लिए एक प्रॉपर बैट कैसे चूज करें, उसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आप अपनी बैट की प्रॉपर वैल्यू चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक बार पैसा लगा हुआ बार बार ना लगाना पड़े, बैट हमारा लंबा चले, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ बैट पे ऑयलिंग कैसे होती है, बैट की नॉकिंग कैसे होती है, बैट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बैट को हम ग्राउंड में ले जाके प्रैक्टिस में और मैचेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब हम बैट को यूज़ करेंगे तो उसमें कुदरती बात है वेटर होता है, उसमें ब्रेकेज आती है, क्रैक्स आते हैं, उन सब चीज़ों को हम कैसे सेट कर सकते हैं, बैट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अपने बैट को कैसे संभाल के रख सकते हैं। अगर आप ये सारे पॉइंट्स बारीकी से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। सबसे पहला काम है आपका इस नए बैट को तैयार करने में। ये देख रहे हैं मेरे हाथ में एक तेल की शीशी है, ये रॉ लिंसीड ऑयल है, कच्चा अलसी का तेल। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा लोगों को गलतफहमी है कि सरसों का तेल हम बैट को यूज़ कर लेते हैं। सरसों का तेल यूज़ करेंगे तो आपके जो बैट की विल्लो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, ड्राई विल्लो कभी काम नहीं करती। हम लिंसिड, कच्चे लिंसिड ऑयल को, कच्चे तलसी के ऑयल को हम यूज़ करते हैं इसलिए कि हमारे बैट में मॉइस्चर रहे। ये तेल कैसे अप्लाई होगा उसको देख लो, ये बहुत केयरफुल करना है आपको। बैट यूँ रख के तकरीबन एक चम्मच तेल बैट के बिल्कुल सेंटर में डाल देना है। ये देखो मैंने एक चम्मच तेल डाल दिया। मेरे हाथ में कोई कॉटन का कपड़ा हो सकता है या मैं अपनी इंडेक्स फिंगर को यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, तेल को ऐसे अप्लाई कर दिया। देखो ये मेरे बैट के फेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। देखो ये आराम से अप्लाई हो रहा है। मुझे जहाँ स्टिकर लगा है वहाँ नहीं जाना, प्लेन है तो ऊपर तक जाऊँगा, बट ये जो यहाँ पर स्प्लाइस होता है जहाँ पर हैंडल और ब्लेड जुड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा उसमें तेल नहीं जाना चाहिए। तेल जाएगा तो जो आपका जॉइंट है वो जॉइंट आपका वीक हो जाएगा। ये हमने तेल को अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, ये देखिए ये हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हमें दूसरा काम करना है, जो एजेस हैं लंबे नहीं सारे, जो एजेस पूरे नहीं, ऊपर का आधा आधे से थोड़ा कम एज भी हमें ऑयल कर देना है। ये देखिए ये हमने ऑयल कर दिया। अब ये हमारा बैट ऑयल हो चुका है, अलसी का तेल हमने लगा दिया। अब हम इसको रखेंगे कैसे, हम बैट को ऐसे रख देंगे, 24 घंटे तक रखा रहेगा। ये पहली स्टेज पे लिंसिड ऑयल अप्लाई किया था, ये हमारा तैयार है। 24 घंटे हो चुके हैं बैट को हमने लिया, अब हम इसकी नॉकिंग करेंगे। नॉकिंग बहुत ज़रूरी है। ये मेरे हाथ में एक लकड़ी की हथौड़ी है जो पर्टिकुलरली बैट को नॉकिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख रहे हैं ये एज, देखिए यहाँ से देखिए आप एज, ये एज कितने तीखे हैं आप देखिए, ये एज बहुत तीखा है। सबसे पहले हम सॉफ्ट हैंड के साथ इसी एज को नॉक इन करेंगे। ये देखिए ये लगातार नॉक इन करेंगे इसको, इस एज को नॉक इन करते जाएंगे। आपको 10 मिनट के तक इस एज को नॉक इन करना है। जब आप इस एज को नॉक इन कर लेंगे 10 मिनट तक, आपको दूसरे एज को भी नॉक इन करना है ऐसे ही। ये देखिए ये नॉक इन हो जाएंगे दोनों एज, तो क्या होगा, जो 90 डिग्री का इनका कोण बनता है यहाँ पे, वो 90 डिग्री ना रह के थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाएंगे। अगर एज राउंड शेप में आएंगे तो जब बॉल लगेगी आपके एज डैमेज नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। इसके साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है टो का, अक्सर हम देखते हैं इस टो से ही बैट की ब्रेकेज होती है। क्यों होती है, कि हम इसको प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करते। इस टो को भी ऐसे ही प्रिपेयर करना, हमें 15 से 20 मिनट हम ऐसे ही बैट को पकड़ेंगे और ऐसे ही, ये देखिए ये साउंड आ सकता है बहुत ज़्यादा। आपको ऐसी जगह पे करना है नॉक इन,
जहाँ पे दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो, तो आपको 15 से 20 मिनट तक इसको भी नॉक इन करना है, खाली टो पार्ट को। जब ये हो गया, इसके बाद हमारी मेन नॉक इन शुरू हो रही है बैट के फेस की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एज हमने पहले राउंड किए थे उस एज के एक इंच के अंदर अंदर हम ये नॉक इन कर रहे हैं। देखो, ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर आओगे, बट आप लगातार करते चले जाओगे 15 से 20 मिनट आप इसकी नॉक इन करोगे। उसके बाद जो दूसरा एज है एक इंच के अंदर का फेस के साइड का, उसको भी आप नॉक इन करोगे ऐसे। ये देखिए, ये आपकी नॉक इन हो गई। अब इसके बाद लास्ट स्टेज है नॉक इन करने की, वो है आपके प्रॉपर सारे फेस की। वो कैसे होगा देखिए, आप ध्यान से देखिए। आप ये थोड़ा सा आपको प्रेस करना है इसको, ये कितना प्यारा रिबाउंड मिल रहा है। देखो साउंड, देखो आप साउंड देखिए आप, ये आपकी नॉक इन हो रही है। ये आपकी प्रॉपर नॉक इन हो गई। टोटल नॉक इन आपकी ये 5 से 6 घंटे की होनी चाहिए। अब इसके बाद अगर आप नोटिस करते हैं कि आपका बैट अभी भी ड्राई है, वो कैसे नोटिस करेंगे आप, आपने अपने थंब का नेल यहाँ ऐसे घुसाना है। विल्लो पर जब घुसाएंगे थंब का नेल, तो आपको देखिए, आप इसको देखोगे, आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे हल्का सा मॉइस्चर आ रहा है। अगर ये मॉइस्चर आ रहा है तो आपका बैट तैयार है। अगर ये मॉइस्चर ना आए तो सेम जो पहली वाली स्टेज थी जहाँ पे हम अलसी का ऑयल अप्लाई कर रहे थे, वैसे ही अलसी का ऑयल अप्लाई करें और फिर ऐसे ही नॉक इन करें। एक बार, दो बार, तीन बार आपको नॉक इन करना बहुत ज़रूरी है। ये करेंगे, इसके बाद आपका बैट खेलने के लिए तैयार है। नाउ आप अपने बैट को जब ग्राउंड में लेके जा रहे हैं, यहाँ कैसे खेलेंगे? जो हम मैं करवाता हूँ नए बैट के साथ, जो हमारे बच्चे हैं जो क्लोजिंग कैचेस करते हैं वहाँ यूज़ होता है, नॉकिंग करते हैं जब कोई थ्रो डाउन देता है वहाँ यूज़ होता है, बट बॉल आपका यूज्ड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। जितना सॉफ्ट बॉल होगा उतना ही आपके जो फाइबर हैं अंदर के वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। जितना आपका बैट का जो विल्लो है वो कॉम्पैक्ट होगी, उतने ही आपकी बैट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब हमारे बैट तैयार होकर यूज़ भी हो रहे हैं। विल्लो है तो कुदरती बात है कि यूज़ होगी तो इसमें ब्रेकेज आएगी, वियर टियर होगा। अब हमें बैट को मेंटेन कैसे करना है उसको ध्यान से देखिए। देखिए, ये बैट है जो यूज़ हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए इस पर बॉल के स्पॉट्स हैं, देख रहे हैं आप। ये बैट प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। हम जब भी बैट को यूज़ करें, हमारा बैट नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आपको फीलिंग अच्छी मिलेगी। खास करके आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये यहाँ से देखिए, ये थोड़ा सा उठा हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे बैट में थोड़ी सी हल्की सी ब्रेकेज है। अगर हम इसको यहाँ नहीं रोकेंगे तो बैट बड़ा हो, ब्रेक हो सकता है। ऐसे ही ये देखिए, इन चीज़ों को कैसे किया जाएगा, साफ़ कैसे होगा वो आपको बता रहा हूँ, और इनको हम कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। अपने यूज़ हो रहे बैट को मेंटेन करने के लिए ये दो चीज़ें मेरे हाथ में हैं। एक ये सैंड पेपर है, एक ये ब्लेड है। देखिए, ये दिखा रहा हूँ आपको, इसमें ये ब्लेड है। ये देखिए, ये ब्लेड कहने को बड़ी छोटी चीज़ है, आपको संभाल के रखना है। इसके एज शार्प होते हैं, आपको इंजरी दे सकता है। इसको प्रॉपर कवर में डाल के रखेंगे, कोई अगर आपको प्लास्टिक की चीज़ मिल जाए उसमें रखिए, और ये सैंड पेपर अपने बैग में ज़रूर रखें। ये पीस ले लिया सैंड पेपर का, इसको हमने फोल्ड कर लिया। वही बैट जो आपको मैंने दिखाया था जहाँ पर ये बॉल के निशान थे, देखिए कैसे जाएंगे इसके साथ। देखिए आप, ये देखो आपके सामने कर रहा हूँ, वही बॉल के निशान है, अभी कर रहा हूँ मैं। ये देखिए, गायब हो गए। देखिए बैट में कैसी चमक आ गई। सिमिलरली ये वाला देखिए, ये भी कर रहा हूँ। ये देखो, ये साफ हो गया। कई कई निशान ऐसे होते हैं जो निकलेंगे नहीं, वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम ब्लेड को यूज़ करेंगे। वो देखिए कैसे होता है, ये वाला, ये साफ कर रहा हूँ निशान, देखो कैसे होगा। बहुत सॉफ्टली इस एज से हमें इसको थोड़ा सा करना है ऐसे। ये देखिए, ये देखो, वो लाल निशान जो था, आपका बैट भी हल्का नहीं होगा, वेट वही रहेगा, सिर्फ जो बॉल लेदर का जो निशान है वो है, ये देखिए ख़त्म हो गया। जो बैट मैंने आपको दिखाया था जिसमें हल्का सा एक क्रैक आया हुआ है, उसको सही रखने के लिए मेरे हाथ में दो चीज़ें हैं। देख रहे हैं, फेविकोल का छोटा सा एक मेरे पास पैक है। फेविकोल या कोई ऐसा और जुड़ने वाली चीज़ अपने बैग में रखिए। स्टंप है ये, आप स्टंप का इतना हिस्सा राउंड हो वो रखिए। ये कैसे इस्तेमाल होगा ध्यान से देखिए आप, जरा इसको सी को मैं सही कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। इसको हमने रगड़ा,
रगड़ते ही जो उसकी ऊपर की चीज़ थी थोड़ी सी घिसी है। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे जो हमारे पास फेविकोल है, ये फेविकोल हमने इसके ऊपर अप्लाई किया। ये देखो ये फेविकोल अप्लाई हो गया। इंडेक्स फिंगर के साथ इसको यहाँ पे रब करेंगे, ये रब कर दिया हमने। ऐसे ऐसे जहाँ जहाँ आपका बैट क्रैक होगा हल्का हल्का, आप उसको रब कर सकते हो। ये रब किया हमने। रब होने के बाद जो हमने फेविकोल लगाया था वो लगा हुआ है। हमने ऐसे कोई स्टूल लिया उसके ऊपर रखा। हमें इसके जो नीचे साइड हैं वहाँ पे कोई सपोर्ट के लिए रख देंगे कोई चीज़। जब सपोर्ट के लिए रखेंगे तो बैट हमारा बिल्कुल सेट रहेगा। अब हमारी जो स्टंप है, स्टंप को ऐसे रोल करेंगे। देखिए ये वहाँ पे रोल हो रही है, ध्यान से देखिए आप। ये रोल हो रही है, ये हिस्सा आपका दब रहा है। आपको वैसे भी अपने बैट के जो एजेस हैं वो ऐसी किसी राउंड चीज़ से आपको रोल कर लेने चाहिए। अब इस बैट को इस ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पे छाया है, 5 से 6 घंटे वहाँ रखेंगे और ये बैट आपका तैयार है। मुझे उम्मीद है कि बैट के ऊपर दी गई ये इन्फॉर्मेशन आप सबको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। वो व्यूअर्स जो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।